हाईकोर्ट ने आज माननीय हाईकोर्ट ने प्रोनाउंसमेंट करते हुए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स विभिन्न भर्तियों के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी में दिए जा रहे थे हरियाणा के अंदर 2017 से अब तक, उन मार्क्स को जो है क्वेश करने का और गैरकानूनी या असंवैधानिक बताने का काम किया है और उसको क्वेश कर दिया है। जी सर, क्या इसके अंदर जो है आधार बनाया गया था पेटिशनर की तरफ से और किस तरीके की सुनवाई रही है इसमें? आधार ये बनाया गया था इनमें कि आर्टिकल 14 के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में जो है उसको इक्वलिटी से हटाया नहीं जा सकता। आप किसी भी व्यक्ति को प्रेफरेंशियल स्टेट में जो है प्रेफरेंस नहीं दे सकते, किसी को चाहे इनकम के बेस पे प्रेफरेंस दे रहे हैं या फैमिली के अंदर पैदा होने के बेसिस पे दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पैदा होने के हिसाब से दे रहे हैं, वो प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती हिंदुस्तान के कानून के अनुसार। हाईकोर्ट ने इन दलीलों पर क्या अपनी टिप्पणी की है सर? कुछ माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है और इसको क्वाश कर दिया। अब क्या जो इसके माध्यम से बच्चे लग चुके हैं नौकरी में वो भी प्रभावित होंगे? होंगे तो कितने होंगे? सीईटी से पहले के किसी भी बच्चे को कोई खतरा नहीं है। 2019 से पहले जितने भी लोग लगे हैं वो सब लोग काम करते रहेंगे, उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन जो सीईटी, जो टीजीटी और जो एक अर्पित गहलावत के नाम से एक मामला आया था वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट थी बिजली निगमों की, उसके अंदर जो है जितने भी बच्चे वो था वो सब का सब क्वाश हो गया। कितने बच्चे होंगे सर ऐसे जो सीईटी के बाद नौकरी? सीईटी के अंदर तो जिनकी नौकरी लग चुकी है वो तो 12,000 तो वही है, तो वो टर्मिनेट किए जाएंगे, उनको हटाया जाएगा। वो मामला क्योंकि अलग से एक एलपीए भी चली हुई थी स्टेट की जिसमें कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को क्वाश कर दिया था अगस्त के अंदर, उसमें सरकार की अपील थी, उस अपील को भी सरकार ने जो है कोर्ट ने खारिज करने का काम किया है। अब री एग्जाम कौन कौन से ग्रुप्स का होगा? सभी ग्रुप्स के री एग्जाम लेने पड़ेंगे एज पर दी कोर्ट ऑर्डर। कितने समय में होंगे, कोई टाइम बाउंड? 6 महीने का टाइम दिया है सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक जो लोग लगे हुए हैं उनमें से किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। अब उनके पास क्या रास्ता बचता है सर? अगर आप कैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लगे हुए बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।